हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका हिस्ट्री का जीरो से हीरो बैच जो चल रहा है दोस्तों, इस बैच में आप लोग ऑलरेडी 9 और 10 वीडियोज़ पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें कि आप लोग प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक दोनों मतलब ख़त्म कर चुके हैं। ओके, तो अभी के लिए फिलहाल मैं बता दूँ आपको कि इन दोनों मतलब कालखंड को ख़त्म करने के जस्ट बाद से आपको ज़रूरत है रिवीजन करने का, क्योंकि इसके बाद से जो है ना ऐतिहासिक कालखंड है उसमें जो है दोस्तों आपका थोड़ा सा हटके इन सबों से हटके चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि ये चीज़ें अगर आप रिवीजन नहीं रखते हैं तो ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा। सो अभी आपको रिवीजन के लिए ये वीडियो मैं बनाया हुआ हूँ, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूँ कि रिवीजन आपको करना है, तो अगर इसके पहले कि आप लोग वीडियो पूरा पढ़े हैं अच्छे से, तो अगर नोट्स बनाए होंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं बनाए हैं दोस्तों, तो फिलहाल मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ, ये मैंने खुद ब खुद नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ से आप देख करके पूरा अच्छे से आप पूरा पढ़ सकते हैं। ओके, तो जैसा कि ये पेजेस पूरा देख रहे होंगे आप, ओके, तो ये आपको दिख पा रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये जो है आपका दोस्तों पूरा यहाँ से देख देख के अच्छे से पढ़ लेना है, और ये वहीं अगर पीडीएफ जो है ना, पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा। ओके, तो वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से इसको रिवीजन में आप लोग मतलब एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा आज के लिए। और कल के लिए वीडियो दोस्तों, कल की जो वीडियो होगी वहाँ उसमें हम लोग आज मतलब ऐतिहासिक काल को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ऐतिहासिक कालखंड को जानकारी के लिए दोस्तों, मतलब विदेशी जो यात्री हुआ करते थे उनसे मतलब कुछ जानकारी मिला है, मतलब कहीं कहीं गए हैं तो वो लोग कुछ ना कुछ लिखे हैं, ठीक है, वहाँ से कुछ जानकारी मिला है। पुरातात्विक जो खोज हुआ था, खुदाई हुआ था, उससे भी कुछ पता चला है, ठीक है। एंड कुछ साहित्यकार हुआ करते थे जो कि साहित्य वगैरह लिखे हैं लोग, उसमें कुछ जानकारी दी है, मतलब इस तरह से बहुत सारी जानकारी सब मिला हुआ है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो कल के वीडियो में दोस्तों अपने तरफ से मैं पूरा फुल कोशिश करूँगा आपको अच्छे से अच्छे ढंग से समझाने का, बताने का, ठीक है। तो कल के लिए बस मतलब ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में। थैंक्स।